कि लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की जा रही हो। हाँ, ये कहते हैं जी लड़कियों से कि अपना धर्म परिवर्तन करो और हमारे से शादी करो, इसीलिए कहते हैं ये। इसीलिए और कोई रिश्ते वाले आते हैं तो रिश्ते तोड़वाने की कोशिशें करते हैं। जो महिलाएं हैं वो बता रही हैं कि पहले भी बहुत सारी लड़कियों के साथ है इस तरह का मामला हुआ है, लेकिन इज्जत और जो है बेइज्जती का जो डर जो होता है आम परिवार को, उस डर के कारण जो है उन बातों को दबा लिया गया था। लेकिन ये इस तरह के मामले पहले भी सामने जो है इन परिवारों के सामने आए हैं, लेकिन आप लोगों के, हम लोगों के सामने और प्रशासन के सामने ये मामले इसीलिए नहीं आ पाए क्योंकि उन परिवारों को अपनी इज्जत और बेइज्जती का डर था। लेकिन अब जो है इस बेटी के साथ जब ऐसा हुआ है, जिसकी अभी रिश्ता हुआ था उसकी सगाई जो है कर दी गई थी, लड़के का रोका हो चुका था, लड़की को भी वो लोग अपना के जा चुके थे, जो गोद भराई की रस्म होती है वो सब पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद जो है कुछ असामाजिक तत्वों ने, कुछ लड़कों ने इस लड़की के होने वाले पति के पास जो है कुछ लील अभद्र मैसेज जो है वो किए हैं। हरियाणा 1008 देखने वाले सारे वन भाइयों ने राम राम। मैं हूं दिनेश कुमार, फिलहाल सोनीपत की खान कॉलोनी में मौजूद हूं और मैं फिलहाल उसी परिवार के साथ जुड़े हुए हूं जो आपने मामला देखा था, जो राजेश की लड़की के साथ है, जो असामाजिक तत्वों ने जो अश्लील जो है हरकतें जो पहले की हैं और उसके बाद जब उस लड़की का रिश्ता हुआ तो उसके होने वाले पति के पास कुछ अश्लील मैसेज जो है वो उन्होंने भेज दिए। कैसे वो मैसेज भेजे हैं, क्या कुछ कारण रहा है, यहाँ पे कुछ महिलाएं, जो बुजुर्ग महिलाएं भी मौजूद हैं, जो राजेश के आस पड़ोस की महिलाएं हैं, उनके परिवार की जो महिलाएं हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला है क्या। राम राम जी। क्या कुछ मामला है थोड़ा एक बार प्रॉपर बताएं। ये जी, ये इन बेटियों के पास मैसेज कर रहे थे, ये घर वालों ने पता लगा तो ये उलाना लेके जाने लगे, तो वो रस्ते में ही घेर के खड़े हो गए जी, तो वहाँ पे फिर इनके साथ झगड़ा कर दिया उन्होंने। झगड़ा करने के पास रास्ते में मैं जीत पड़ती है जिस जगह पे ये खड़े थे, तो वहाँ पे ये मैं जीत के ऊपर चढ़ गए, वहाँ से ऊपर से पत्थर फेंकने लगे, ईंटें पड़ी थी जो ऊपर से ले जाले जा गए, तो ये चोट भी लगी है जी एक पड़ोसी को हमारे, उसको रोहतक PGI में लेके जा रहे हैं। आप लड़की की क्या लगते हैं? लड़की की हम दादी लगते हैं, पड़ोस में ही रहते हैं। हाँ जी, इसमें यहीं पे रहते हैं जी राजेश के पास। क्या ये इस तरह की जो है हरकतें पहले भी हुई हैं कॉलोनी में? हाँ जी, पहले भी होती थी ये, पर सब ऐसे दब जाती थी, कोई नहीं करना चाहता था ऐसे, क्योंकि जब सोचते हैं भाई बेटी की इज्जत उछलेगी, ये होगी, इस शर्म के मारे डर जाते थे सभी, अपने उनसे बचाव कर लेते थे बस। बेटियों की बहुत सी हैं, लड़की जो शादी हो गई है, परिवार है, तो भी ज़्यादा कुछ तो कुछ कह नहीं सकेंगे, जो अब नया ताज़ा हो रहा है इसको रोकने के लिए हम प्रशासन से मांगते हैं कि भाई हमें न्याय मिले, आगे इस तरह की हरकत ना, आगे इस तरह की हरकत ना हो, और ये जो गुंडे पल रही हैं नए ताजे, ये गुंडे पलने बंद हो जावें, बस यही कहना चाहता। अच्छा, जो बेटियों के साथ जब इस तरह की हरकत होती है, जिस तरह से यहाँ पे जो पुरुष मौजूद हैं, राजेश हैं और भी कई जो यहाँ पे मौजूद हैं, सब ये कह रहे हैं कि बहुत सारे, हमारा अकेला परिवार नहीं है, बहुत सारे परिवारों के साथ ऐसा हुआ है, बहु बेटियों के साथ इस तरह की हरकतें हुई हैं, क्या बेटियों ने, जो बेटियों के साथ इस तरह की हरकत हुई है तो उन्होंने घर पर आके शिकायत की या फिर बेटियों ने भी इस मामले को दबा लिया था पहले? तो वो डरती बताती नहीं थी ना जी, डरती थी माँ बापों से बताने से कि भैया हमारे को मनमाने के भाई पढ़ने के लिए बंद ही कर दे मैं जाना, या फिर भाई माँ बाप है धमका दे मैं बेटियों को, अपनी कोई धमकाते हैं ज़्यादा कर, तो इसीलिए उन्होंने बताया नहीं था। पता लगा तो फिर बाद में जब किसी के साथ हुआ तो फिर पता लग जाए, ऐसे जैसे अब हो गया है ये पता लगा कि अभी हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हमने कुछ किया नहीं, तो अब हाँ ऐसे ही पता लग रहा है। तो जिन बेटियों की पहले शादी होगी वो तो बच्चेदार हो रही हैं, ये बोरा का तो किसी का कुछ कह नहीं सकते जी, क्योंकि परिवारों पर उन पर भी असर पड़ता है। प्रशासन से क्या क्या गुहार लगाएं? हम तो यही लगाते हैं जी कि हमें न्याय मिलना चाहिए और आगे आगे ऐसी ऐसी वो होनी नहीं चाहिए, और जो ये अपराधी पले हुए हैं, जो ये ऐसी हरकतें करते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये महिला है, कुछ कहना चाहती हैं जी, क्या कहना चाह रहे हो? जी यही कहना चाहूँ जी, मैं करड़ी से करड़ी सजा मिला ऐसे इंसान को जी, बस यही चाहती हूँ जी मैं। आप जैसे लोगों के संज्ञान में पहले था मामला कभी इस तरह का, जो बता रहे हैं, क्या पहले कोई मामला ऐसा आया कि दबा लिया गया हो जिसको? दबाया जी, पर अपनी बेइज्जती के लिए कोई कुछ नहीं कहता था जी। यहाँ पे कोई ऐसी महिला मौजूद है जिनके परिवार के साथ ऐसा हुआ है पहले?
जी मौजूद भी है ना भी, शादी हो रही है क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते जी। जिस लड़कियों की शादी हो रही है उनके बारे में क्या बतावा जी, अगली फिर वो पड़ेगी दाव आ जाएगी पीछे से, इसलिए उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते जी। पर इनकी हरकत यही है, शुरू से यही है, ऐसे ही करते हैं ये, लड़कियों के परेशान करते हैं। पहले हो गया जी, हो गया, अब नहीं होना चाहिए। इवन की तो शादी होगी, अब यो बात उखड़ेगी तो यो गलत हो जाएगा, फिर जो हो गया अब आगे नहीं होना चाहिए। बस सेक्टर 27 थाने में जो है आप लोग सभी गए थे, मौजूद थे? हम तो नहीं थे जी, वो थे, ये पहुंचे थे। हाँ जी आप लोग गए थे? हाँ जी आप लोग गए थे? हाँ जी हम भी गए। क्या आश्वासन क्या दिया प्रशासन? प्रशासन ने कहा जी हम उनको उठाएंगे और आपको न्याय दिलाएंगे। अभी जो पता लगा है कि एक की गिरफ्तारी हुई है और बाकी जो जिनके नाम लिखवाए हैं वो फरार है अभी तक औरों का हमें पता भी नहीं है, हम कार्रवाई कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, औरों को क्यों नहीं उठा रहे हैं। पुलिस प्रोटेक्शन की जो आप लोगों ने मांग की थी, पुलिस यहाँ पे मौजूद है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये मौजूद तो है जी, पर पता नहीं जी हमारी वो कर रहे हैं क्या, उनकी वो कर रहे हैं, अभी ये नहीं पता जी हमारे पास। जी 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 बिल्कुल, आप देख रहे हैं भाई, जो महिलाएं हैं वो बता रही हैं कि पहले भी बहुत सारी लड़कियों के साथ है इस तरह का मामला हुआ है, लेकिन इज्जत और जो है बेइज्जती का जो डर जो होता है आम परिवार को, उस डर के कारण जो है उन बातों को दबा लिया गया था, लेकिन ये इस तरह के मामले पहले भी सामने जो है इन परिवारों के सामने आए हैं, लेकिन आप लोगों के, हम लोगों के सामने और प्रशासन के सामने ये मामले इसीलिए नहीं आ पाए क्योंकि उन परिवारों को अपनी इज्जत और बेइज्जती का डर था, लेकिन अब जो है इस बेटी के साथ जब ऐसा हुआ है, जिसकी अभी रिश्ता हुआ था उसकी सगाई जो है कर दी गई थी, लड़के का रोका हो चुका था, लड़की को भी वो लोग अपना के जा चुके थे, जो गोद भराई की रस्म होती है वो सब पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद जो है कुछ असामाजिक तत्वों ने, कुछ लड़कों ने इस लड़की के होने वाले पति के पास जो है कुछ अश्लील अभद्र मैसेज जो है वो किए हैं। इंस्टाग्राम वगैरह से जो है बताया गया है, अभी तक जो है मामला जो सामने आया है वो यही आया कि इंस्टाग्राम से जो है उन्होंने उस लड़के से संपर्क किया है। अब वो संपर्क उससे कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ है, उस मामला जो है अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी उस मामले की कि आखिर उन लड़कों का जो है इस लड़की के होने वाले पति से संपर्क कैसे हुआ, ये जो है छानबीन का मामला है। प्रशासन से हम निवेदन करेंगे पूरे मामले की तह तक जाएं और इसमें क्या कुछ जो निकल के आता है वो सामने जरूर आना चाहिए। और जब इस परिवार के सामने जो आया है कि इस लड़की का जब रिश्ता टूटने की जो कगार पे जब आया है, जो उन लोगों को पता लगा कि ऐसे ऐसे कोई लड़का कोई मैसेज इस तरह के कर रहा है, उन्होंने पूछा, जब उनको पता लगा कि ये लड़का यहीं का रहने वाला है, तो अभी जो है उन लोगों का क्या कुछ कहना है जी। मैं एक सवाल और करूँगा, जो लड़की की जो होने वाली ससुराल है उन लोगों का क्या कुछ कहना है, आगे इस रिश्ते को वो लोग तोड़ रहे हैं इन बातों को लेके, या फिर क्या कुछ है अभी आगे होने की जो संभावना है? कुछ ही बात का मार को पता नहीं लगा है, जो पता है तो लड़की के मम्मी पापा को ही पता है, उनसे क्या बातचीत हो रही है क्या नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, बाकी वही लड़की का जो पापा है राजेश, उसने यही कहा था कि अभी जो है कुछ भी नहीं कह सकते, उन लोगों ने जो है फ़ोन उठाने और फ़ोन करने वो बंद कर दिए हैं ये सब मामला सामने आने के बाद। बाकी आप लोगों की इस मामले में लेके क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप ज़रूर देना, आप इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं। धर्म परिवर्तन का भी जो है मामला बताया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि वो धर्म परिवर्तन जो है करवाना जो है चाह रहे हैं लड़कियों का। जी एक लास्ट और क्या धर्म परिवर्तन वाला मामला सामने आप लोगों के सामने आया कि लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की जा रही हो? हाँ ये कहते हैं जी लड़कियों से कि अपना धर्म परिवर्तन करो और हमारे से शादी करो, इसीलिए कहते हैं ये, इसीलिए और कोई रिश्ते वाले आते हैं तो रिश्ते तोड़वाने की कोशिशें करते हैं बस। बिल्कुल भाई, महिलाओं का साफ साफ कहना है कि जिस भी लड़की का कॉलोनी में किसी के साथ भी कोई किसी की बात दब जाती है, किसी की कोई जो है उन के खिलाफ आवाज़ उठा लेता है, किसी ने जब आवाज़ उठाई, इस परिवार ने आवाज़ उठाई है, तो पूरा मामला जो है सामने आया है कि धर्म परिवर्तन करवाने की जो है कोशिश उन लोगों के द्वारा लड़कियों की जाती है कि भाई धर्म परिवर्तन इनका करवाया जाए, लेकिन जो है प्रशासन से पूरा परिवार अपील जो कर रहा है कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और
प्रोटेक्शन फिलहाल जो है वो मिली हुई है। यहाँ पे हरियाणा पुलिस के जवान हैं, मौजूद हैं गलियों में, जो है हर जगह पुलिस चप्पे चप्पे में पुलिस मौजूद है, ताकि किसी तरह का कोई दंगा यहाँ पे ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कॉलोनी में शांति बनी रहे, इसीलिए प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। बाकी आगे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि एक लड़का जो है वो अरेस्ट हो चुका है, बाकी जिन जिनके नाम इन्होंने लिखवाए हैं, इनका परिवार का कहना है, लड़की के परिवार वालों का कहना है कि बाकी जो है वो अभी फरार हैं, तो पुलिस जो है उनकी छानबीन कर रही है। आगे इस मामले में क्या कुछ निकल के आता है, अगर हमारे सामने और अपडेट आएगी तो हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूं इजाजत। हरियाणा 1008 के लिए मैं दिनेश कुमार, जय हिंद जय हरियाणा।